वहीं मुरैना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक्सरे के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। मुरैना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां एक्सरे के लिए रिश्वत मांगने के मामले में एक वीडियो वायरल हुआ है। कैलारस अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन DNN इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां एक्सरे के लिए रिश्वत मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि DNN इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कैलारस अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है, मुरैना की खबर आपको बता रहे हैं, जहां DNN न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक्सरे के लिए रिश्वत मामले में ये वीडियो वायरल हुआ है, DNN न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुरैना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक्सरे के लिए रिश्वत मांगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैलारस अस्पताल का ये वीडियो है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुरैना से संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? कैलारस अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है एक्सरे के लिए रिश्वत मांगने को लेकर, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि कैलारस और सबलगढ़ में जो लैब टेक्नीशियन है, जो एक्सरे का रिपोर्ट बनाते हैं, और एक किसान की जब आपस में झगड़ा हो गया था तो वो एक्सरे के लिए आया था, धारा बढ़ाने का 26 जो होती है उसको लगाने के लिए 3000 रुपए की मांग की थी, जिसमें 2000 डॉक्टर के लिए और 1000 वो अपने लिए उनने डिमांड की। तो किसान से उनने जो बहुत ही गरीब और मजदूर व्यक्ति था उससे 3000 रुपए लैब टेक्नीशियन ने लिए उनसे। जी मनोज, फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई की या उनकी नजर में आई ये बात? जी बिल्कुल, घर में भी आई है और अस्पताल प्रबंधन है वो टालमटोल कर रहा है, वो कह रहा है जांच करवाएंगे, जबकि साफ वीडियो में पैसे लेते हुए और गिनते हुए दिखाई दे रहा है। फिर भी जो अस्पताल प्रबंधन है, जो डॉक्टर है BMO, वो उस पर ये कह रहे हैं कि जांच कर कार्रवाई करेंगे, जबकि खुलेआम रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, मुरैना के कैलारस अस्पताल से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रिश्वत मांगी जा रही है एक्सरे को लेकर, लेकिन DNA ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।